भाई फिलहाल पालुआ के जो है चबूतरे के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर जो है किसान आंदोलन को लेकर के जो है एक महापंचायत थी उसके अंदर क्या कुछ फैसला लिया गया, अपनी बहन साथ में मौजूद है, राम राम पे। राम राम भाई। डॉक्टर सिक्किम के विचार जो है अभी आपके सामने आएंगे, क्या कुछ फैसला लिया गया है और क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? फैसला यू है भाई, कमेटी बनाई थी। हाँ। सरकार तो SIT बनाया करा है, मरली पंचायत किसान संगठन भी कमेटी बनान सीख लिए, फिर निचोड़ा अपना बेरे कहना गणी कुआवा मेरे पे ना सारी बात बता बे बता, क्योंकि इसमें नहीं उड़ा टकराव हुआ था अपने केड़ी चौपटा है। हाँ। कई अपने बालक भी उठाए गए। हाँ। कई जगह आंदोलन में जो अपने बालक उठाए गए हैं, युवा जो है पुलिस ने उठा ली, उनको ऊपर के कुछ एक्शन लेने खातर? नहीं, एक बात बताओ भाई, कब तक कमेटी कमेटी संगठन संगठन कब तक खाप खाप खेलते रहेंगे? जब तक आप एक नहीं होंगे, किसान संगठन एक नहीं होंगे या एक विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 75 साल से लगातार हम क्यों आरण लग रहे हैं? क्योंकि हम मेज के कच्चे हैं। जिसने चौधरी बनावा हा वो एक खंड का दरिया है, तो किसने कमा हम तो कह नहीं सकते। मैं तो एक बात कह सकू, या तो भगत सिंह पैदा कर लियो, जे भगत सिंह पैदा नहीं कर सकते तो चरण सिंह पैदा कर लियो, और जे ये भी नहीं पैदा कर सकते तो घर बैठ जाओ। बार बार लोगों का टाइम वेस्ट ना करो, मनी वेस्ट ना करो। यू के बनाया रखा है, समैन खाप है, फिर बिनैन खाप है, आज दाड़न खाप है, निचोड़ के लिखड़ा। जब तक इन संगठनों ने हमें शामी नहीं बिठावेंगे नहीं आप एक दूसरे ने नू नहीं बतावेंगे भाई किसमें के रोला है, तो आप कर के सका आप तो आम पब्लिक है अपना जड़ा बुलावेंगे उड़ा बिक जाएंगे और इनकी ताड़ी बजाय कह जाएंगे। राजनेता की ताड़ी बजानी बंद कर दी, किसान नेता की खप्पा की ताड़ी बजा लिया, रह गए ताड़ी बजाने के। जिसने चौधरी बनावा है वो ये बेच का जाना रहा है। हालात यह है कि अपनी चौधर में आंगली कोई बड़ी नहीं करना मतलब कहने का कि सारे के सारे चेहरे चमकाने के चक्कर में फिरे हैं। बिल्कुल सही है, इसमें क्या सच है? सच कंधे होने सबने डर लग गया, पर यह कड़वी सच्चाई है। अपना चेहरा चमकाने का चक्कर में चाहे किसान संगठन हो चाहे खाप चौधरी हो, नहीं खाप चौधरी हो, एक बात बताओ कब तक बाजे फिरा? ये एक बात बताओ, 4 साल तक बाजे फिरन लग रहे हैं। MSP की लड़ाई कड़ा रहे मेज पे, जाट आंदोलन की लड़ाई कड़ा रहे मेज पे, ये किसान संगठन 2 चल रहा है कड़ा रण लग रहे हैं। रोज PCO हुआ है, रोज सरकार के ला वार्ता हुआ है, रिजल्ट कुछ नहीं, वो एक काम हो रहा है लेन देन में खकनी साहूकारी में सकनी हालात ये है देश। अच्छा, कई जगह क्या हुआ, हमने पहले भी देखी थी खेड़ी चौपटे पे कमेटी बनाई थी, मेंबर चुन ले कमेटी बनाई थी, फिर उन्होंने जो SP से बात करनी पड़ा, मंत्री से बात करनी पड़ा है, कई जगह ये कमेंट वाले नुको डरा दम का है कहना जो धरने ठुआ दे है डर बीजे है सब कुछ चक्कर के पता के भाई डर यू है। जे अपने बड़का पे केस लग जाए, हर एक आदमी भाई मारे बड़का पे केस ना लगे, हमने सच्चे तो लड़ना पड़ेगा, हमने मारे बच्चे दूर रखने पड़ेंगे भी जिस पे केस मुकदमे ना हुए जितने आगे नौकरी का, बाकी नौकरी तो है नहीं इस देश में, पर फिर भी अपने बच्चे तो दूर रखने पड़ेंगे। युवा महिलाओं ने आगे लेकर आओ, उसके बाद हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ लड़ाई, जो किसान आंदोलन 2-1 था आपने मेरा बुजुर्ग ने लड़ा, महिला ने लड़ा, उनकी दोबारा निकाल का हो दोबारा लिया उनकी मैदान में लड़न जाना है। कई जगह पे नुको है, नुको है कि भाई आंदोलन में तो केस लगे, अगर ब्याह किसके होंगे देखे? एक बात बताओ, केस तो लग गया, आज हमारा पूरा विश्व में किसानी के ऊपर आंदोलन चल रहा है, फ्रांस में चल रहा, स्पेन में चल रहा, उड़ा ना तो ड्रोन के लिए बम फेंक दे, ना उन पे केस लग दे, ना कुछ होंदा। यू दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ड्रोन के लिए तो असु गैस के गोले फेंके जावे तो लोकतंत्र बचा कड़ा है। यू देश पूर्ण रूप से नू ला लो गुलाम हो चुका है, और इस गुलामी तक जे लिखना है या नस्ल फसल की रोटी बेटी की आखिरी लड़ाई है, इसमें अपना जो मान सम्मान है, अपना जो ईगो है, अपना जो निजी स्वार्थ है, जे अड़न धरके तो ये खाप चौधरी किसान संगठन वाले लड़पड़े तो कि मैं लिखड़िया होगा, नहीं इसमें नहीं लिखड़ता टै। और जब तक किसान संगठन के चौधरी जो आगू हैं, चाहे वो किसी भी आंदोलन की अगवानी करे, उन चौधरियों ने लाइन में लाकर अगवानी करवाया करो, बड़क मारे मरे ये किसान नेता का क्या था, लग दी गोली भाई। मतलब यू भी एक सवाल है, राजनेता में किसान नेता में कोई गणा फर्क को नहीं, क्योंकि जब तक या तो फैसले गलत ना ले किसान संगठन, यदि फैसले कड़े ले तो लाइन में सबसे पहले मैं किसान आगू लागो, जुगर राजनेता लाग क्या करे, और जुगर ये अपने दिल्ली चंडीगढ़ को बढ़न देंदे, इनकी काम में ना बढ़न दो नेताओं ने, वो गया समाधान है। और कर की भाई काका लिखनिया सर्वसम्मति MP MLA बना लियो, दिखते को नहीं कुछ भी, मतलब करना ही नहीं आ रहा हमारा आया ने तो करना ही नहीं आ रहा हमारी। भाई साहब आगा यो के बताना लग रहे थे बताइयो। नमस्कार सभी को, मैं संदीप कुमार भारतीय किसान यूनियन धन भगत जी कैथल सहरी प्रधान एव संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी हरियाणा इंडिया प्रचार प्रधान हरियाणा। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी खा प्रधानों को जो हिट एंड रन का कानून आया उसको मांग
उसको वापस करने की मांग डाली जाए। और यानी कि आप ड्राइवर साथी किसानों का समर्थन मारे हो? हाँ जी, हम और हम खाप से हमारी मांग साथ में ऐड करवाना चाहते हैं। किस प्रकार की मांग है? हिट एंड रन जो कानून आया है ड्राइवरों पे 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। यो तो जिद होगा नहीं भाई साहब, जिद सारे के सारे जिद ड्राइवर की चाबी छोड़ेंगे, हमें ड्राइवर की चाबी छोड़ देंगे इसकी। रुक जा, और जो भी ये किसान आंदोलन में सही, जो भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं ना, उनके लिए सरकार कुछ देखे और जो अंदर है उनको बाहर निकाले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तऊ राम राम। राम राम भाई साहब। तगड़ा है के? तगड़े हैं भाई। अच्छा, आज अड़ चबूतरे पंचायत थी, ईसा के फैसला ले लिया जिससे बाहर सुर 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 हो रही है कि भाई सारा सौदा बिगड़ गया, एकता बैठ गई। फैसला तो के ले गया वही मीटिंग वही सेटिंग वही बालक मरवाने, या तो भाई जो आगू नेता है नहीं, बिल में बड़ा है मारे बालक मरे है या मैं मरा हाँ। अच्छा। मैं दिल तक लड़ा हाँ, निस्वार्थ होकर कोई भी संगठन कोई भी चौधरी आपके घर भर है या फिर माइक पर जूत बाजे इनका, या तो उन चौधरी है नाग लाओ, उसके बाद मारी खापन के जो चौधरी है मारे काके ताऊ है वो ला दो, उसके बाद हमें लागा। अगर MSP है जो मारा अधिकार है, जो स्वामी नाथन की रिपोर्ट लागू करवानी है वो हमारा अधिकार है। हमारे ट्रैक्टर तोड़े जाए है, किसाना के बेटे मरे है, उनके घर बाद में, एक मिनट भाई साहब, उनके घर कोई जायकन देखता बाद में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए है, बाद में की स्थिति हो है जिस का मर्जे है निबारक, उस परिवार की के स्थिति हो है वह उन बेरा है, माया न बेरा है, काके तकवा न बेरा है, परिवार न बेरा के स्थिति हो है, बाद में भाई साहब कोई नहीं किसे का। और हम तो भाई सरकार तो एक के अपील कर हाँ भाई, गाड़ी भेज दे मार खेतर, बस भेज दे, हम ट्रैक्टर लेकर जाना ही नहीं चाहते। खान पीन का प्रबंध कर दे। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी हमें सम्मान करा है भाई, जो ये फैसला दे भाई ट्रैक्टर लेकर ना जाओ, रोड पर ना चढ़ाओ, हमारे घर यहाँ खड़े कर देंगे भाई। और खान पीन की व्यवस्था कर दे, रेल का भाड़ा फ्री कर दे, बस भी जुआ दे, ट्रंक भी जुआ दे, हमारी जो मशीन है कपड़े धोने की है, स्त्रीकरण की है, सारा सोता मतलब खाट बिस्तर का भी हमारा प्रबंध कर दे। और भाई सारे किसान भाइयों ने मैं कहना चाहूंगा एक मोजा भी बंद कर दे, क्योंकि भाई फ्री की खान की आदत पड़ गई लोग आना, फ्री का खान की आदत पड़ गई लोग आना। और दूसरी बात है, हमने केस ये है, हमने मेन पॉइंट है पानी, पानी बढ़िया पा जो, खाद बढ़िया मिल जो, बीज बढ़िया मिल जो, ये चीज हमने चाहिए है। और जिसका ले लिया नहीं हमने उसका तो देना देना पड़ेगा। UK हमें बैंक तो लोन कटवा लेंगे, मारा माफ हो गया, सरकार ने माफ कर दिया, उसके बाद में फिर मारा ब्याज माफ कर दे, क्यों कृषि प्रधान देश है हमारा, सोधर ना चलाओ, लेके देना चाहिए। देख लो कौन लेके किसने देने लग रहा है। अच्छा नू बताता हूँ, ये मीटिंग पे मीटिंग, पंचायत पे पंचायत, फैसले पे फैसले, कहे एक दिन और चलेगी तो बात देखने लग रहे अगर आप बैठे कि भाई कब से ये फैसला लोगे, वो बेचारे नौजवान में भीतर छूट दिए। अच्छा अपने उड़े के नाम बॉर्डर पर ठट्टे के लेके किसाना ने, एक तो बेचारे ने टांग पर टांग धरकर पैर दी बीच, उनका क्या इलाज होगा, मैं तो बाट में बैठे उड़े है भाई साहब। सबसे पहले तो देखिए हम कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, जो अत्याचार किसान को परो रहा है नी, वो अत्याचार होना था उग्रवादियों पे, ये आंसू गैस के घोड़े, ये डंडे, ये लाठी मारनी थी, उनकी टांग पाड़नी थी उग्रवादियों की। संविधान बदल दिया, पानी बदल गया, हवा बदल गई, राम बदल गया, धरती बदल गई, सरकार बदल गई, सरकार कौन सी है भी घाट को नहीं भाई, किसान का कौन सी सरकार भला कर है, मैंने बता दे मेरे भाई। फिर दूसरी बात एक का कौन ये बात, किसान तो भला करेगी, किसान में इकलास होगा नहीं। एक बात बता दे, ऐडे 10 लाख लोग इकट्ठे हो तो किसकी इतनी हिम्मत है वो उसका आगे ले लेंगे भाई? आगे कोई नहीं ले सकता। सबसे पहले तो हमारी गलती है, हमने वोट डायल करना या सरकार चुनी, उसके बाद जनता मनास का है और जनता गिरास का है, सब न बेरा है, आगू नेता न भी बेरा है, खाप पंचायत न भी बेरा, गाम राम न बेरा है। तो मामना एक होना चाहिए, मारे परिवार ने एक होना चाहिए, किसान भाइयों ने एक होना चाहिए, और EVM का विरोध कर दो, और बेल्ट पेपर हो जो उस मारे वोट गिड़वाए जाए, और गम्मा में बड़ा नहीं EVM हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम शांति तय धरने प्रदर्शन करा हार, हमारा अधिकार भी है, तो इनका विरोध कर दो गम्मा में। ये फिर बर्फी भी मारी खाओगे, दूध भी मारा पियोगे, और वह सपोले उन प्याओगे जिसने आपके छोरे लुआने हैं, या फिर कोई घर में परिवार में
टापर लुवाना, बेरोजगारी तो नहीं है भाई साहब। आज नीलम आजाद है सो तुम्हारी गुड़िया, उसने बेरोजगारी की आवाज उठाई है, उसके साथ पांच साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं भाई। उनसे भी संगठन है, उनसे भी मारे खापों के आगू नेताओं ने आवाज नहीं उठाई है। मैं तो ये कहूंगा भाई वो लड़ाकी लड़की है, सबसे पहले तो जो भगत सिंह होया करता उत्ती असेंबली में बम बगाया था, उस टाइम थे गोरे अंग्रेज और बढ़िया बात करी थी, गोरे अंग्रेजा के मतलब कान्ना के पर्दे खोलन खातर उत्ती विस्फोट करया था, इतनी बेरोजगारी के लिए एक धमाका करया है भाई, वही कान्ना के पर्दे खोलन खातर बेरोजगारी की मांगना कोई जुलम नहीं है, और हम सब साथ में खड़े हैं। और मैं तो भाई खड़े होनी है, मैं कड़वे कड़वे सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरा क्या है पब्लिक घर बैठी है या कहने लग रही है कि भाई एक बात, 13 तारीख आंदोलन शुरुआत आज क्या होगी, आज क्या होगी, आज होगी 2 तारीख, 2 तारीख होगी नहीं, तो कितना फैसला बीच को गुजर चुका, कड़िए पंचायत तो है, कड़िए महापंचायत तो है, सारे अपने खिंडकिया का सामान रखा हाँ, सारे जगह पहुंचा हाँ, लेकिन फिर कमेटी बनाकर फैसला करते हैं, सीआईडी वाले उनको पर नजर रखा है कि भाई कौन सी कमेटी बनाई थी, और फिर उन्हें के नाम पुलिस वाले उन्हें बुला लिया कि कमेटी वाले ना बुलाओ, फिर वो कमेटी वाले ऊपर दबाव हो जाए, ये एक का होगा कद और कभी लड़ाई लड़ी जाओगी तो आंदोलन हाथ छूटता जाने लगे, इसी हिसाब से तो भाई साहब सरकार का बहम है, दबाव कितना मना ले, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है हमें उनका दिल ते समर्थन भी करा हाँ, सम्मान भी करा हाँ, और पगड़ी पर ठेस नहीं आने देंगे हमें, ठेस नहीं आने दोगे, मैं आड़े भी सवाल पूछूंगा, और ठेस नहीं तो के था केड़ी चोटा में जिते ए बात होता, 5,000 किसान बैठे उसका मैं बढ़ के प्रशासन ने लठ मारे, वो खिंड का चोट कौन दी ठोकर कौन दी गई, वो खिंड का हमारी मान सम्मान हमारी पंचायत का सर का ठोकर कौन दी गई, दिमाग के दिमाग में जो कीड़ा हो जाए उसका इलाज हो कर है, इसी तरह यह सरकार करी है, इसी तरह सरकार करी है, इलाज का टेम आ गया, ईब हम ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ईब तो हम शांति से बैठे हाँ, और ये हमारे ऊपर अत्याचार करे है, जब हमारे बड़े खापा के मारे काके ताऊ हम ना देश दे देंगे नहीं, मारा डंडा भी तैयार है और मारा झंडा भी तैयार है, ईब हमें खाली हथे को नहीं आते, डंडा भी रहेगा उस मर झंडा भी रहेगा, लड़ा भी गिर जीता भी गे दिल्ली भी जावांगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी अमित, एक मिनट भाई और करेगा।